उन्हें कपल ने कैसे जा रहा है साला कैसे जा रहा है, हाथ पकड़ा उसने, सिर्फ हाथ पकड़ के जा रहा है। रोमांटिक है लड़का यार, तुझे आता है रोमांटिक होना? क्या होता है रोमांटिक बता, कुछ पता है? हाथ पकड़ लिया कर कभी प्यार से, कभी कुछ प्यार से बोल दिया कर, कभी कुछ खा रहे तो प्यार से खिला दिया कर, देखता तक नहीं है तू मेरी साइड, अब बस खाने पे जोड़ दिया होता है। बोल कुछ, अब चूड़ा पाया है, नया नया ब्याह हुआ है हमारा, तूने कभी इंस्टा पे स्टोरी डाली हमारी? मैं सोचा था कितने सपने थे, मेरा फोटो डालेगा, चूड़े वाला बाल लिख के गाना डालेगा, कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया, दूसरों पे हंसना है बस। कहीं घुमाने लेके गया मुझे? जा तो रहे हैं अभी, घर का सामान लेने जा रहे हैं भाई, इसको ये घूमना हो, ये घूमना हो गया, ये घूमना हो गया। यहाँ से ले चल मुझे, सब दिख रहे हैं, मेरा खून खोल रहा है भैया। आजकल की लड़कियां रिलेशनशिप में आते ही सबसे पहले अपने बाबू को यही कहेंगी कि बाबू हम तो तुम्हारा दिल में रह लेंगे। अरे पगली, दिल में कैसे रहेगी, लॉजिक पे बात कर। हाँ, दिल में नहीं, हम तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे बाबू। और देखो, अगर तुम बाबू ऐसा दिल उल में रहने पर भरोसा करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपने माई बाबू के लाडले हो, तो उनके दिल में तो जरूर ही होगे। तो बाबू चाहो तुम अपने माई बाबू के दिल में रहो, अब फ्लैट हमारे नाम कर दो बाबू। हाँ बाबू, हम जो है तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे, तुम अपने मम्मी पापा के दिल में रहना। हाँ बाबू, मेरे भी दिल में रहना, और बाबू रेंट दे देना, फ्लैट में रहूंगी तो खर्चा वर्चा भी तो होगा बाबू, तो दे देना। बाकी और जो ये लड़कियां कहती है ना कि मैं तो तुम्हारा दिल में रहूंगी बाबू, यही सबसे पहले काट के जाती हैं बाबू। अभी तो ढंग से गर्मी भी नहीं आई, लेकिन घर में चींटी और रिश्तेदार ये आने शुरू हो गए हैं। आते ही कहेंगे बच्चों की छुट्टी हो गई, तुम्हारे बच्चों की छुट्टी हो गई तो उसमें हमारी गलती क्या, हमारी गलती क्या है ये बताइए, आप हमारे घर क्यों आ जा रहे हैं? अगर तुम्हारे बच्चों की छुट्टी हो गई है तो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो छुट्टी हो सकती है। लेकिन नहीं, ये मुंह उठाए पहुंच गए इनको, अच्छा हमारी ऐसे ऐसे रिश्तेदार है ना, इनके मुंह पे हम बेइज्जती किए जा रहे हैं, इनको महसूस नहीं हो रहा है इनकी बेइज्जती करने के बाद, बल्कि हमें ही शर्म आ जा रही है कि यार इनको बेइज्जती नहीं महसूस हो रही, लेकिन इनको मतलब हम वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे मतलब व्यूअर्स जो है उनको बुरा लग जाता है, लेकिन मेरे रिश्तेदार को मजा लग बुरा लग जाए नहीं, इनको लगता है मजाक मजाक, ये मजाक मतलब पानी ऐसे ग्लास का मुंह पे फेंक के मारे हैं तुम्हारे, और तुमको ये मजाक लग रहा है, अब किस तरीके से जलील करे तो तुम इस घर से निकलोगे हैं? यार नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुंडली मार के सांप हो गए हैं यार, यही बैठ ही गए हैं, मतलब छोड़ ही नहीं रहा मेरा घर, इन्हीं लोग की वजह से घर में एसी नहीं लगवा रहे, मैं गर्मी से मर जाऊंगी, लेकिन अगर इन लोगों को ताजगी मिल गई तो ये लोग सर्दियां जब तक नहीं आएंगी तब तक मेरा घर छोड़ेंगे नहीं। यार मैं रिश्तेदारों से परेशान हो गई हूँ भाई, मत आया करो यार, कसम से बता रही हूँ, सच में परेशान हूँ, मजाक नहीं है ये।